Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आरकॉम को पिछले सप्ताह उस समय एक बड़ी राहत मिली थी जब टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम आदेश में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट को निर्देश दिया था कि वह आरकॉम को बिना बैंक की गारंटी के जियो को स्पेक्ट्रम बेचने की जल्द अनुमति दे। TDSAT यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल ने आरकॉम को भी लगभग 1400 करोड़ रुपए की एक जमीन नहीं बेचने का निर्देश दिया था। यह जमीन सरकार के बकाया रकम के बदले गारंटी के तौर पर है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आदेश में बदलाव करने की एक याचिका दायर की थी। डॉट का कहना था कि वे गारंटी के तौर पर जमीन को स्वीकार नहीं कर सकते। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल ने इस याचिका को ठुकरा दिया है। इससे रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचने के लिए सरकार से स्वीकृति मिलना और आसान हो जाएगा। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सूत्रों का कहना है कि डिपार्टमेंट से आरकॉम और जियो के बीच स्पेक्ट्रम की इस डील को जल्द अनुमति मिलना मुश्किल है। TDSAT के अंतरिम आदेश के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि आरकॉम अपना स्पेक्ट्रम जियो को बेचने के लिए काफी कोशिश कर रही है, लेकिन डॉट की ओर से बकाया रकम चुकाने की मांग के कारण इस डील में देरी हो रही है। आरकॉम ने कहा था कि वह इस डील से मिलने वाली 975 करोड़ रुपए की रकम एरिक्सन और HSBC को भुगतान के लिए करेगी। आरकॉम को एरिक्सन को लगभग 550 करोड़ रुपए की भुगतान करनी है। एरिक्सन की आरकॉम पर 1600 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बकाया है, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने हस्तक्षेप के बाद 550 करोड़ रुपए लेकर मामले के निपटारे के लिए सहमत हुई थी। हालांकि अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या TDSAT द्वारा सुनाए गए फैसले को डॉट अनुपालन करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।